तो बेटा इसमें क्या दे रखा है कि अपने पास दो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक दे रखा है, बट एक जो है वो ग्रेजुअल है, दूसरा स्टीप है। ग्रेजुअल स्टीप का मतलब भी एक जो है वो एक की स्लोप ज़्यादा है, एक की स्लोप कम है। अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला जो प्लेन है, सेकंड वाले प्लेन की जो स्लोप है वो ज़्यादा है ना, और फर्स्ट वाले प्लेन की जो स्लोप है वो क्या है बेटा, वो कम है ना। तो उसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ द स्टोन रीचेज द बॉटम एट द सेम स्पीड, क्या दोनों स्टोन सेम स्पीड के साथ नीचे आएंगे। बात सही है बेटा, क्योंकि ये एच हाइट दोनों के लिए क्या है बेटा, सेम है। क्योंकि जब वो नीचे आते हैं तो वो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का अंडर रूट 2gh। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 2gh। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन ना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड तो दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। कितनी रहेगी? वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh रहेगी ना। अब उसने पूछा है कि टाइम, बोथ द स्टोन रीचेज द बॉटम विद सेम स्पीड एंड स्टोन वन रीचेज द बॉटम अर्लियर देन स्टोन टू। और उसने बोला कि स्टोन वन जो है वो स्टोन टू से पहले पहुंचेगा, थर्ड में दिया कि स्टोन टू पहले पहुंचेगा। तो अपने को ये देखना किसको टाइम कम लगेगा, किसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा जो टाइम का फॉर्मूला होता है ना, ध्यान से अगर तुम मुझे बताओ कि इंक्लाइंड प्लेन पे जो फॉर्मूला होता है टाइम का, वो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है टी इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट 2h/g, 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट 2h/g। तो बेटा जिसका थीटा जो है वो ज़्यादा होगा है ना, जिसका थीटा एंगल ज़्यादा होगा उसका टाइम का आंसर क्या आएगा, कम आएगा। जिसका थीटा ज़्यादा उसकी टी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अब थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, उसकी स्लोप ज़्यादा है। तो थीटा 2 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब टी 2 कम आएगा, टी 2 क्या आएगा, कम आएगा ना। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ टी 2 लेस देन टी 1। तो इसका मतलब टी वन को टाइम ज़्यादा लगेगा फर्स्ट बॉल को है ना, फर्स्ट बॉल को टाइम क्या है ज़्यादा लगेगा, सेकंड बॉल को टाइम क्या है कम लगेगा। तो सेकंड बॉल पहले नीचे आएगी, फर्स्ट बॉल बाद में आएगी। तो इसने तो क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है कि फर्स्ट बॉल पहले नीचे आएगी, फर्स्ट बॉल पहले नीचे आएगी। ये तो फिर बेटा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया है ना। और जबकि अपने को इनकरेक्ट बताना था तो यही ऑप्शन अपने लिए क्या है, सही है। तो सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर है।